कांग्रेस कार्य समिति की आज जो बैठक हुई वो कांग्रेस की एक परंपरा के अनुसार है। जब कभी एआईसीसी की बैठक होती है या पार्टी का महाधिवेशन होता है उससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक यानी एक्सटेंडेड मीटिंग होती है, जिसमें कार्य समिति के सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दलों के नेता, संसदीय दल के पार्लियामेंट्री पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जो अग्रिम संगठन हैं यानी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके जो चीफ्स हैं, उनके जो प्रमुख हैं, इस सबको बुलाया जाता है। इसमें जो अगले दिन कार्यवाही होनी होती है बैठक की, जो प्रस्ताव पास होने होते हैं वे सारे प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और उनको कार्य समिति स्वीकार करती है, उसके बाद ही वो पेश होते हैं। इसमें एआईसीसी की मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसका एजेंडा होता है, कांडोलेंस मीटिंग कांडोलेंस रेजोल्यूशन होता है, जो प्रस्ताव पास होने होते हैं उनका ड्राफ्ट डिस्कस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसी के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई और आप जानते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था, कि कुल मिला के जो तीन बड़े प्रस्ताव पास होते थे अब तक, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव या विदेशी मामलों से संबंधित प्रस्ताव, आज कार्य समिति में वो चर्चा हुई है। इसलिए मैं वो एक वाक्य आपको बता रहा हूं जो निष्कर्ष रूप में हमारे प्रस्ताव का हिस्सा कल होने जा रहा है। दिस मीटिंग ऑफ द एआईसीसी डिक्लेयर्स दैट 2014 इलेक्शन कैंपेन विल बी लेड बाय श्री राहुल गांधी। सर, यानी चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति में तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, चुनाव बनाने की इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा।